हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्या वीएनएस में। दिवाली में कौन नहीं अपना घर सजाना चाहता है, तो घर सजाने के लिए हमें कुछ नए नए सजावट की ज़रूरत होती है। तो चलिए वो सजावट हम क्यों ना खुद से बनाएं। यहाँ मैंने मटका लिया है। ये मटका मेरा जब घर गृह प्रवेश हुआ था तो उसी समय का है। एक साल तक रखा जाता है, तो लगभग मेरा एक साल होने वाला है। तो मैं इसमें का धागा नहीं निकालूंगी, इसके ऊपर ही इसको डेकोरेट करूंगी। यहाँ मैंने लिया है वॉल पुट्टी। ये मैंने पेंट के डब्बे में लिया है, क्योंकि मुझे ऐसे और कोई बर्तन को बेकार करना अच्छा नहीं लगता। इसे हम पहले अच्छे से घोल लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करेंगे, क्योंकि एक ही बार कर देने में पता चला ये बहुत गीला हो गया। तो आप देख सकते हैं हमें इतना ही इसे गाढ़ा रखना है। अब मैं यहाँ पे फिक्सिट यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे फेविकोल भी यूज कर सकते हैं। फेविकोल रहने से ये होता है कि इसके ऊपर हम जो भी डेकोरेट करेंगे, कांच वगैरह, वो अच्छे से चिपक जाएंगे। हम इसे लगाना शुरू करते हैं। इस पर पतला ही लेयर लगाएंगे। इसमें पतला लेयर इसलिए कि कांच भी अच्छे से चिपक जाए, जो भी हम इस पर डेकोरेट करें अच्छे से चिपक भी जाए, और जो हमारा मटका का कलर है खासकर इसी के लिए ये लेयर लगाया जाता है। नहीं तो हम चाहें तो उसको फेविकोल से भी चिपका सकते थे, लेकिन हमें मटके का कलर चेंज करना था। तो मटके का कलर ऐसे इसके ऊपर कोई कलर होगा तो अच्छा नहीं आएगा। ये वाइट बेस रहेगा इसका, तो बहुत अच्छा कोई भी कलर बहुत खिल के आएगा। तो हम इसे लगा चुके हैं। आप देखिए, ये मैंने कुछ कांच निकाले हैं। ये कांच मैंने साड़ी से निकाली हुई है, और ऐसे ही जो स्टोन्स हैं वो सूट से निकाला हुआ है। ये बड़े बड़े स्टोन, ऐसे ही बहुत छोटे छोटे भी स्टोन उसमें से हैं। ये मैंने ख़रीदा हुआ था, तो ये रखा हुआ था, तो इसका भी यूज इसमें करेंगे। तो चलिए अब हम इसे लगाना शुरू करते हैं। पहले हम चार बड़े वाले स्टोन को चारों साइड से लगा लेंगे। जब बड़ा वाला चारों स्टोन हम इसमें लगा लेंगे, तब इस पर हम इसके किनारे किनारे जो मिरर्स हमने रखे हैं वो लगाएंगे। एक एक करके सावधानी से रखेंगे, ताकि वो अच्छे से चिपक भी जाए और निकले ना, और अच्छे से दिखने में भी सुंदर लगे। एक फ्लावर तरीके से ऐसे गोल सर्कल में करके बनाएंगे। देखिए, मैं आपको एक करके दिखा लेती हूँ। ऐसे ही जो छोटे वाले स्टोन थे उसे भी हम इस चारों के बीच में लगाएंगे। हमने चारों जो स्टोन बड़े बड़े लगाए थे चारों साइड से, उनके बीच में जो जगह बची हुई थी उसमें ऐसे छोटे छोटे से स्टोन लगा लेंगे। पहले वाइट वाली जो हमने मोती रखी थी वो लगा के उसके साइड साइड से छोटे छोटे वाले स्टोन लगाएंगे। कलर ध्यान में रख के, पता चला एक के कलर ऐसा हो गया जो खिल के ना आए एक दूसरे के बगल में, तो हम ऐसा थोड़ा ध्यान रखेंगे स्टोन का कलर। जब ये हमारा हो जाएगा तो इसके ऊपर भी हम अच्छे से पुट्टी को लगा देंगे, ताकि ये पता ना चले, कहीं से दिखाई ना दे। इसको अच्छे से कवर कर लेंगे और कुछ देर के लिए रख देंगे कि ये अच्छे से सूख जाए। जब ये सूख जाएगा तो इस पर हम पेंट करेंगे। वैसे ये वाइट भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, हमारा जब ये सूख गया, तो मैं आपको चारों तरफ से इसको घुमा के दिखाती हूँ ये कितना प्यारा लग रहा है। हम चाहें तो ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर से पेंट कर देंगे तो ये इसका कलर और भी अच्छा खिल के आएगा। पर पता ही नहीं चलेगा कि इसे हमने घर पे बनाया है। इसके मिरर्स देखिए कितने अच्छे से चिपके हुए हैं। हमें ऊपर से कोई भी फेविकोल को यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। चलिए अब हम इसका पेंट करते हैं। यहाँ मैं येलो कलर का वुडन पेंट ली हूँ, जो लकड़ियों पर पेंट किया जाता है। यहाँ हम अब अच्छे से पेंट कर लेंगे। पेंट करते समय हमें ध्यान रहे कहीं भी वाइट कलर ना दिखे। एक बार अगर करने पे हल्का कलर लगे तो दोबारा भी आप इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिरर पे भी साथ में कर रही हूँ, लेकिन गीले में ही, जैसे ये पेंट गीला है तभी हम इसे गीले कपड़े से पोंछ भी लेंगे। पेंट भी गीला हो, कपड़ा भी गीला हो, फिर इसे पंखे के पास या धूप में सूखने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से सूख जाए तभी इसका यूज करें, नहीं तो हाथों में लगेगा और पुट्टी के साथ ये पेंट भी बाहर आ जाएगा।
अभी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, तब भी ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, या फिर दीपावली में इसके ऊपर दिया लगा के रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे टेबल पे रखी हूँ, मैं यहाँ पे एक खिलौना था बच्चे का, तो वो ऐसे ही लगा दी हूँ दिखाने के लिए। देखिए ये कैसा लग रहा है, बताइए एक बार, कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसके आगे भी मैं इसमें कैसे इसको डेकोरेट की हूँ वो भी मैं आगे दिखाती हूँ आपको। यहाँ मेरे पास घर में एक पुराना सा बाउल पड़ा हुआ था जो एक बार जल गया था दूध बॉयल करते समय, तब वो किसी बर्तन में जब कोई सामान जलता है तो वो तो छूट जाता है, लेकिन जब बर्तन ही जल जाए तो वो नहीं छूटते हैं। तो ये इसका हाल भी कुछ उसी तरीके का हुआ था। यहाँ मैंने पहले से इसमें फेविकोल लगा के रखा है, तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं वो फेविकोल नहीं सूख के ऐसा पीला पीला सा दिख रहा है। ये बहुत इसकी बुरी कंडीशन हो गई थी, और मैंने फेविकोल इसलिए लगाया है ताकि इस पर पेंट या जो भी मैं करूँ वो आराम से पकड़ ले, क्योंकि ऐसे वो स्टील का है तो वो स्लिप करेगा या दिक्कत आएगी करने में। तो इसे मैंने पहले फेविकोल लगा के सुखा लिया है, अब उस पर मैं वही वाला पेंट ले रही हूँ जो मैंने मटके पे किया था, क्योंकि सेम कलर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। अब इसे हम एक बार इसको पेंट कर लेंगे, उसके बाद इसे सुखा के फिर दोबारा से पेंट करेंगे ताकि ये मटके का कलर में आ जाए, क्योंकि मटका पहले वाइट उसका बेस था तो उस पर जल्दी कलर चढ़ जाता है। तो इसको भी हम वही कलर देने के लिए दो बार पेंट करेंगे। हमारा ये तैयार हो चुका है, इसे एक बार दोबारा भी पेंट करना है, लेकिन अभी पहले सूखने के लिए रख देते हैं। जब तक से सूख रहा है तब तक से हम मटके का बेस तैयार कर लेंगे जिस पे मटका रखेंगे। यहाँ मैंने जो एयर टाइट करने के लिए रबड़ आती है ना, कहीं भी लग जाता है पाइप वाइप में, तो ये वही वाला है जो प्लम्बर में टाइट करने के लिए आया था, तो उसे मैं ली हूँ यहाँ मटके के नीचे रखने के लिए। देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। और ये मैंने जो बॉल तैयार किया था वो इसमें लगाई हूँ। मैं फ्लावर का वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। अगर आपको ये मैंने फ्लावर कैसे बनाया है इसकी भी वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं कोशिश करूँगी इसकी भी वीडियो एक अलग से ज़रूर डालूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।